नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको ये ओरेंट कंपनी का रेडियो है जो कि 5 बैंड का रेडियो है, मीडियम शॉर्ट एफएम TV1 TV2। तो इनमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई भी स्टेशन आ ही नहीं रहा है। तो चलिए, बहुत ही साधारण इसकी हमें सर्विस करनी है जो कि मैं आपको क्लियर बतला देता हूं इस रेडियो में, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उनमें से लगभग बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि मैं लाइव ही बनाता हूं। तो चलिए, इस वीडियो को मैं भी लाइव बना रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हमने कैबिनेट खोला और खोल करके इसको बजा करके भी आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार है। तो चलिए, इसका मैं लाइव वीडियो सीधा ही आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो इनमें प्रॉब्लम सबसे पहला ये है, ये बहुत दिनों से रखा हुआ था और ये इसकी बेंट स्विच जो है ये पूरी तरीके से जाम हो चुका है। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हो सकता है यहाँ से ये टूट जाए। तो इनमें प्रॉब्लम कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बेंट स्विच जाम की वजह से इसकी जो यहाँ से यहाँ तक कॉलम जो बने हुए हैं, जो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है सो इसका ज्वाइंट करता है और फिर कट करके दूसरे स्थान पे फिर पुनः ले जाता है, उस हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैंड स्विच जो है यहाँ पे बनी हुई है। और ये इनमें 5 बैंड है, तो इधर इस साइड का मीडियम है, बीच में शॉर्ट है, यहाँ FM है, यहाँ TV1 और यहाँ TV2। तो ये सभी कॉलम का काम करता है, क्योंकि इसकी जो भी ट्रैक है आपस में हटते और करते हैं, इस वजह से जो है ये काम करता है। तो ये बहुत दिनों से रखा हुआ था, इसके वजह से ये जाम हो चुकी है। तो इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही इनमें मैं ऑयल डालूँगा, साइकिल का हो या मशीन का हो, दोनों में से कोई सा ऑयल, तो चलिए हमारे पास अवेलेबल अभी साइकिल का तेल है, तो मैं इसके अंदर साइकिल का तेल डालूंगा। जैसे ही इस बेंच इसको मैं फ्री करूंगा तो ये रेडियो फिर से जिस तरीके से पहले बजती थी उस तरीके से फिर से बजने लगेंगे और इसमें हमको कुछ नहीं करना है। तो चलिए, आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये जो है बहुत ही जाम है, इस पर मैं प्रेस दूँगा तो ये टूट सकता है। तो चलिए, मैं ऑयल डाल करके आपको क्लियर करके इसको बजा के दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं इसका साउंड बढ़ा देता हूँ, आप वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। इस तरीके से इसको यहाँ से यहाँ घिसकाने से क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी कार्बन लगे हुए थे वो सभी क्या हुए, तो ठीक हो गए। अब ये रेडियो बजने में बिल्कुल सही है, जो कि मैं अभी बजाया नहीं हूँ लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो चलिए, अब मैं बजा करके इसको दिखाता हूँ।
की एल्टीना की वायर मैंने बढ़ा दी है। इनके अंदर हुआ क्या है कि इसकी एंटीना की रेंज जो है, इसकी एंटीना के रेंज यहाँ से यहाँ इसको सही नहीं मिल रहा है, जिस कारण से स्टेशन बहुत ही कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ का एंटीना की रेंज इसकी सही करूँगा, इसके बाद इसको मैं बजाऊँगा। तो इनमें प्रॉब्लम आ गया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे रेडियो में ऐसा होता है कि जैसे ही बैंड स्विच की गड़बड़ी होती है तो उसमें ऑयल डालने से ये बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये है। आपको मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इनमें स्टेशन सही से नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बतलाता हूँ। ये FM वेव है और ये TV वेव है। तो देख सकते हैं TV वेव में जैसे ही यहाँ की LED जलती है, यहाँ की LED जल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ की LED बिल्कुल सही जल रही है, लेकिन इनमें से साउंड को भी ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे ही यहाँ की LED जल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेशन आपकी बिल्कुल आ रही है, लेकिन इनमें से एम्पलीफायर नहीं हो रही, यानी कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है, या तो ये IC ख़राब है या नहीं तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी पिन का जो है तो यहाँ पे सही से इसके ट्रैक नहीं है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सोल्डिंग फिर से करेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोल्डिंग फिर से करेंगे। अगर उसके बाद यहाँ की जो भी स्टेशन की प्रॉब्लम अगर सही हो जाती है तो सही है, अगर नहीं होती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें फिर से रंगे साफ करके यहाँ की IC जो है चेंज करनी होगी, और इसके अलावा इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।